फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यमी टमी। मैं शिप्रा आपके लिए लेकर आई हूँ एक और जबरदस्त स्नैक की रेसिपी, और हम बनाने जा रहे हैं चिली पनीर मिनी पिज्जा स्लाइसेस। बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो इसे पूरा एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिली पनीर स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून, बहुत ही थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून के करीब। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज। तो ये मैंने प्याज को कट करके रखा है बारीक से, एक प्याज को, छोटे से साइज के प्याज को। तो इसे हम थोड़ा सा सौते करेंगे लगभग 1 मिनट। 1 मिनट में प्याज हमारा सौते हो जाएगा और ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है। तो बस प्याज हमारा हल्का हल्का सौते हो चुका है, साथ ही में हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो ये शिमला मिर्च मैंने एकदम छोटे छोटे काट के लिए हैं, एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च। अब दोनों को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो इस चिली पनीर पिज्ज़ा सैंडविच जो हम बनाने जा रहे हैं, इसकी खास बात ये है कि ये झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसे आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं, स्नैक्स की तरह, ब्रेकफास्ट में, कहीं भी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे थोड़ा भून लिया है, इसे ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें सॉसेस जो भी हमें ऐड करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो सॉस, और ये टमाटर का सॉस मैंने लिया है 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच। साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पेस्ट, तो मैंने चिली सॉस भी ऐड कर लिया है, चिली सॉस आपका ऑप्शनल है। अब आप इसमें ऐड करिए, ये मैंने बना के रखा है पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगी, और अगर आप चाहें तो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। 4 बड़े चम्मच मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है, और अगर आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं लेना चाहते हैं तो आप सॉस जो टोमेटो सॉस है उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दीजिए। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे सिज़वान सॉस जो आजकल बहुत ही चिंग का फेमस है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपका टोटल ऑप्शन है, थोड़ा सा आप इसे अच्छा फ्लेवर देने के लिए। 1 से 2 मिनट मैंने इसे थोड़ा भून लिया है ताकि सारे सॉसेज एक दूसरे से मिल जाएं। और इसी समय हम इसमें ऐड करेंगे पनीर के क्यूब्स, आप चाहें तो इसमें मशरूम, जो भी आपका पसंदीदा टॉपिंग हो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये पनीर मैंने 100 ग्राम करीबन छोटे छोटे पीसेज में कट करके लिए हैं। सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है ताकि सारे फ्लेवर्स आपस में अच्छे से मिल जाएं। तो इसमें सारे सॉसेज जो हमने यूज़ किए हैं उसमें ऑलरेडी बहुत सारा सॉल्ट होता है, तो हम कोई भी सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। बस ये मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर इस पर स्प्रिंकल करूंगी ताकि थोड़ा फ्लेवर मिले हमारे चिली पनीर के इस मिक्सचर को। बस ये ऑलमोस्ट रेडी है हमारा मिक्सचर, 1 मिनट और हम इसे अच्छे से पकाएंगे इसी तरीके से मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर, और फिर फ्लेम बंद करके आगे की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने एक ब्रेड की स्लाइस ले ली है, और ये मेयोनीज है जो वाइट मेयोनीज प्लेन, इसको हम पहले लगा लेंगे अपने ब्रेड के बेस में। आप चाहें तो इस पे मेयोनीज की लेयर की जगह बटर भी लगा सकते हैं, मगर पतली सी एक मेयोनीज की लेयर लगाने से बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर मिल जाता है। इसी तरीके से हम अपने सारी ब्रेड के स्लाइसेस पे पहले मेयोनीज या बटर, जो भी आपका पसंद हो, उसकी लेयर लगा लेंगे। तो सारी स्लाइसेस पे मैंने अब लगा लिया है मेयोनीज, अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये मैंने अपनी टॉपिंग को निकाल लिया है कटोरी में, और इसे अब हम अच्छा सा इसमें स्प्रेड कर लेंगे। ये बहुत ही झटपट बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, तो फटाफट से मैं स्प्रेड कर लेती हूँ। तो ये मैंने चारों में टॉपिंग्स लगा ली हैं, अब मैं इसमें पिज्जा की, मतलब हम पिज्जा बना रहे हैं तो चीज तो लगाएंगे ही, तो ये मैं लगा रही हूँ चीज स्लाइसेस। आप चाहें तो मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है ब्रेड के साथ, तो मैं इसे लगाऊंगी। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड के स्लाइसेस पे चीज स्लाइसेस अपनी लगा लेंगे। एक स्लाइस को थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में काट के भी इसको यूज कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा कम चीजी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीजी हो जाता है। तो इसे मैं छोटे छोटे स्लाइसेस में कट करके आप सारी जगहों पे इसे स्प्रेड कर दीजिए। तो ये सारे मैंने चीज, मुझे जितनी लगानी थी मैंने लगा लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा इस पे ओरिगैनो स्प्रिंकल करूंगी, और साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी हम इस पे स्प्रिंकल कर लेंगे। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल या बटर, जो भी आपको पसंद हो, ब्रश कर लेंगे, और मैं अपनी पिज्जा स्लाइस को चलिए फटाफट से बेक करते हैं गैस के ऊपर।
तो एक स्लाइस हम इस तरीके से रख के और इसे हम अब कवर कर देंगे इस तरीके से एक कवर से लगभग 2-3 मिनट के लिए, फिर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए लगभग 2-3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी है, मैं आपको उठा करके कवर दिखाती हूँ। ये देखिए माउथ वाटरिंग। तो अब चलिए इसी तरीके से हम बाकी के स्लाइसेस को भी पका लेते हैं और फिर इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए मैंने दूसरी स्लाइस को भी अच्छे से रख दिया है कवर करके। अब इसी तरीके से मैं सारे स्लाइसेस तैयार कर लूँगी अपने पिज़्ज़ा की, मिनी पिज़्ज़ा के, और फिर इसे सर्व करते हैं। हमारा मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, इसे हम कट कर लेते हैं और फिर इसे सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी चीज़ी हमारा बना है ये मिनी पिज़्ज़ा। इसे सर्व करते हैं हम अपने प्लेट पे। तो आप भी बनाइए टेस्टी चिली पनीर मिनी पिज़्ज़ा और सर्व करिए अपने बच्चों को। फिर मिलती हूँ किसी अच्छी और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।